लंबी मशक्कत के बाद सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जीएसटी विधेयक पर होने वाली चर्चा में कुछ मुद्दों पर आपत्ति के साथ समर्थन देगी। सरकार के साथ बनी सहमति के बाद इस विधेयक को कल ही देर शाम चर्चा के बाद पारित करा दिया जाएगा। मंगलवार को विधेयक में कैबिनेट की तरफ से किए गए संशोधनों की प्रति सांसदों को बांट दी गई। हालांकि कई सांसदों ने राज्यसभा के उपसभापति से शिकायत की कि उन्हें विधेयक की प्रति नहीं मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विधेयक में किए गए संशोधनों की प्रति राज्यसभा सचिवालय को 2 दिन पहले दे दी गई थी। वही जीएसटी बिल के समर्थन में सचिन तेंदुलकर ने कहा, एक देश एक टैक्स से देश को फायदा होगा। कोंकण में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर एक पुल टूट गया। इस हादसे में कुछ गाड़ियां बहने की वजह से 22 लोगों के बह जाने का अंदेशा है। पुल टूटने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा है। एनडीआरएफ की प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की है। आपको बता दें कि ये पुल ब्रिटिश काल में बना था। दरअसल इस जगह पर आसपास 2 पुल है। जो पुल टूटा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई के ट्रैफिक के लिए किया जाता है। दूसरे पुल का इस्तेमाल मुंबई से गोवा जाने के लिए होता है। हादसे के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस को जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद से ही सीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हाईवे पर पुल बहने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा है। यूपी में कांग्रेस को मुकाबले में खड़ा करने की रणनीति के तहत मंगलवार को सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में जबरदस्त रोड शो किया। हालांकि तबीयत खराब हो जाने की वजह से वे इसे पूरा नहीं कर सकी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका शुरुआती इलाज हुआ। इसके बाद देर रात करीब 11:30 बजे उन्हें चार्टर्ड विमान से दिल्ली लाया गया, जहां प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पहले से मौजूद थे। वाराणसी में सोनिया गांधी को 8 किलोमीटर के रोड शो में लोगों का भरपूर समर्थन मिला। सड़कों पर उमड़े हुजूम के बीच सोनिया का काफिला जिधर से गुजरा उधर लोग पटरियां पर फूल माला लेकर पलक पांवड़े बिछाए मिले। पश्चिम बंगाल राज्य का नाम जल्द ही बदल सकता है। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को इसके लिए सहमति दे दी है। प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल नाम से वेस्ट को हटाना चाहती है, इसलिए नया नाम अंग्रेजी में बंगाल और बंगाली में बांग्ला या बंग रखा जा सकता है। प्रदेश सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तब तक अंग्रेजी नाम को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश का नाम बदलने के पीछे अंग्रेजी की वर्णमाला की वजह है और ये नई मांग नहीं है। आपको बता दें कि साल 2011 में वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग करने पर रायशुमारी कार्रवाई की गई। इसके लिए प्रदेश में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। राजनाथ सिंह सार्क के मंच से पाकिस्तान की जमीन से भारत में होने वाली आतंकी गतिविधियों का मुद्दा उठाएंगे। इस मुद्दे पर भारत को बांग्लादेश का साथ मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठा सकते हैं। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पाक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहिष्कार को भारत के साथ पाकिस्तान सरकार भी गंभीरता से नहीं ले रही है। सऊदी अरब में अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हजारों भारतीयों के हालात का जायजा लेने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जेद्दा पहुंचे। वहां वे स्वदेश वापसी के इच्छुक भारतीयों के लिए औपचारिकताएं पूरी करेंगे। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने सऊदी अरब के राजदूत सऊद बिन मोहम्मद अल साती से मुलाकात कर भारतीयों की स्थिति पर चर्चा की। अकबर ने मंगलवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सऊदी सरकार की ओर से भारतीय कामगारों और अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि खाड़ी में अर्थव्यवस्था के चरमराने से सऊदी अरब में हजारों भारतीयों की नौकरी चली गई है। आर्थिक तंगी के कारण भोजन खरीदने में असमर्थ लोगों को भारतीय मिशन ने भोजन उपलब्ध करवाया। बुलंदशहर कांड की सनसनी अभी थमी नहीं कि बरेली में भी दिल्ली हाईवे किनारे एक निजी स्कूल की शिक्षिका से 3 दरिंदों के अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है।
जब शिक्षिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी तभी बीच रास्ते से वैन सवार तीन युवकों ने उसका अपहरण कर परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के आगे खेत के पास ले गए और वहां वैन में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने फोटो भी खींच लिए। डरी सहमी शिक्षिका घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत सीबीगंज थाने की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव विशाल यादव की सजा बढ़ाने और पेरोल नहीं दिए जाने की मांग की है। सरकार ने शपथ पत्र के साथ यूपी सरकार से बदायूं में चल रहे एक मुकदमे में पेश नहीं होने की मिली रिपोर्ट और तिहाड़ से पेशी के लिए जाने की रिपोर्ट, तिहाड़ जेल में इनके व्यवहार से जुड़ी रिपोर्ट भी लगाई है। दिल्ली सरकार के अनुसार यूपी के बदायूं जिले में चल रहे एक मुकदमे में पेशी को लेकर विकास यादव और विशाल यादव बार बार यूपी जाते थे। ऐसी सूचना थी कि ये वहां पेश होने के नाम पर मौज उड़ाते हैं। संसद परिसर की वीडियोग्राफी मामले में गठित लोकसभा की जांच समिति ने आप सांसद भगवंत मान को संसद की सुरक्षा सार्वजनिक करने का दोषी पाया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर सदस्य बट गए हैं। समिति में शामिल टीएमसी और कांग्रेस के सदस्य मान को इसी सत्र तक के लिए निलंबित करने के पक्ष में हैं, जबकि भाजपा के सदस्य उन्हें कम से कम तीन सत्र के लिए सदन से बाहर करवाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कार्रवाई पर आम राय न बनने के कारण किसी तरह की सजा का जिक्र नहीं किया है। डीटीसी बसों के बेड़े में और बसें जोड़ने में केजरीवाल सरकार भले ही नाकाम रही हो, लेकिन अब सरकार फीडर बसों की नई योजना लेकर आने वाली है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डीटीसी के जरिए फीडर बस चलाने की तैयारी कर रहा है। दलील ये है कि ये बसें उन इलाकों तक लोगों को सफर की सुविधा मुहैया कराएगी जहां अभी डीटीसी बसें नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली सरकार ऐसी हजार बसें लाने की तैयारी कर रही है। ये बसें मौजूदा लो फ्लोर बसों से छोटी होंगी और भीड़ भरे और संकरे रूट पर चलाई जा सकेंगी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस योजना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रक्रिया में करीब 8 महीने लगते हैं, लेकिन नई फीडर बसों की सुविधा दिल्ली वालों को जल्द से जल्द मिल सके, इस बात को ध्यान में रखकर फीडर बसों को खरीदने और उन्हें सड़क पर उतारने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। ये प्राथमिकी 8 अप्रैल 2014 को धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में दर्ज की गई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने धर्मशाला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए चार्ज और लंबित आपराधिक मामले को भी खारिज कर दिया है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने HPCA और अनुराग ठाकुर की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिकी और चालान में कहीं भी ये प्रतीत नहीं होता कि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत किया गया है। हिमाचल सरकार ने लाखों कर्मचारियों को झटका देते हुए GPF पर ब्याज दर घटा दी है। इसे 8.8% से घटाकर 8.1% कर दिया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ये फैसला 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2016 तक लागू होगा। केंद्र सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए GPF की ब्याज दर को घटाने के बाद ही हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है। प्रदेश में वर्ष 2003 से पहले नियमित किए गए कर्मचारियों को GPF मिलता है, जबकि इसके बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों को EPF और CPF का ही लाभ मिलता है। वर्ष 2003 से पहले नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या हिमाचल से लगभग 2 लाख है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का चुनाव आज होने जा रहा है। इस चुनाव में माओवादी सुप्रीमो प्रचंड का भारी बहुमत से जीतना तय है। मंगलवार को हुए नामांकन दाखिल में सिर्फ प्रचंड ने ही उम्मीदवारी पेश की है, लेकिन पीएम पद हासिल करने के लिए प्रचंड को संसद में बुधवार को होने जा रहे मतदान प्रक्रिया में अपना बहुमत साबित करना होगा। 84 सीटों के साथ नेपाल के संसद में तीसरे नंबर की पार्टी माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड को सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कांग्रेस के 2007 सांसदों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा मधेशी दलों के 56 राजतंत्र समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 35 सहित करीब 400 सांसदों का समर्थन मिलना तय है।
केपी ओली की सरकार में मुख्य साझेदार रहे माओवादी ने हाल ही में समर्थन वापस लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। रियो ओलंपिक के शुरू होने से पहले भारत को लगातार झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक भारतीय एथलीट डोपिंग के दंग का शिकार हो रहे हैं। 200 मीटर दौड़ के धावक धर्मवीर सिंह नाडा द्वारा लिए गए डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण धर्मवीर सिंह रियो के लिए उड़ान नहीं भर सके। हालांकि नाडा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एथलेटिक्स फेडरेशन को इस बारे में सूचित नहीं किया है, लेकिन वे मान रहे हैं कि ये डोपिंग है। रियो जाने वाले धर्मवीर इकलौते पुरुष धावक है। धर्मवीर हरियाणा के रोहतक से आते हैं। इस साल जुलाई में बंगलुरु में हुए इंडियन ग्रांड प्री एथलेटिक्स इवेंट में धर्मवीर ने 20.50 सेकंड के ओलंपिक मार्क को 20.45 सेकंड में पूरा कर लिया था। 2015 में 21वें एशियन चैंपियनशिप के दौरान धर्मवीर ने 22.66 सेकंड की टाइमिंग के साथ मशहूर धावक मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था। जमैका टेस्ट के चौथे दिन ही भारत को बड़ी जीत की सुगंध मिल गई थी, लेकिन बारिश ने टीम इंडिया का काम बिगाड़ दिया। चौथे दिन बारिश ने लगभग 1.5 घंटे का खेल बाधित कर दिया, लेकिन लंच से पहले 16 ओवर के अंदर ही ताबड़तोड़ 4 विकेट झटक लिए थे और भारत अब जीत से 6 विकेट दूर रह गया था। लेकिन बारिश ने आगे का खेल होने नहीं दिया। बारिश के कारण खेल काफी देरी से शुरू हुआ, लेकिन लंच तक वेस्टइंडीज ने महज 48 रन पर अपने 4 विकेट गंवा लिए थे। लेकिन इसके बाद का खेल नहीं हो सका, जिसे 2 सत्र पूरे बेकार चले गए। वेस्टइंडीज को पारी की हार टालने के लिए अभी 256 रन और बनाने होंगे। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर उस समय घोषित कर दी। पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम 304 रन से पिछड़ी हुई है।